Welcome back for the new topic, that is pumping of sewage. In this pumping of sewage, we are going to see the necessity of pumping and problems in pumping and the pumping station. So let's start. First, we'll see the necessity of pumping. Basement of large commercial building. Suppose if you are considering a building or commercial building. In commercial building, what happens? जो बेसमेंट होता है, बेसमेंट में क्या रहता है कि जो बेसमेंट का जो लेवल रहता है वो ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल से कम रहता है. बेसमेंट में जो वेस्ट वाटर या सीवेज जनरेट होगा वो सीवेज जनरेट होगा लो लाइंग एरिया में, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे. और जो सीवरेज सिस्टम की सीवर्स रहती है उसकी जो लेवल रहती है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे रहती है, और बेसमेंट की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे रहती है. इसीलिए विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वे द सीवेज फ्रॉम द बेसमेंट टू द sewerage system. That's why it is very necessary to pump the sewage from the basement of the large commercial building to the ground sewer. Then the second, when the sewer has to go across the ridge. Suppose this is a ridge line, and this is a sewer. If the sewer has to go across this ridge line, then it is better to pump the sewage instead of excavating the ridge. Okay. That's why here also pumping is necessary. If we are going for the excavation, then the cost of excavation will be high. That's why it is better or it is economical to pump the sewage from this point to that point. Then the location of outfall sewer and the treatment plant. Agar outfall sewer ki location डिस्पोजल पॉइंट के लोकेशन से नीचे रहेंगी तो क्या करना पड़ेगा, आउटफॉल सीवर से फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, पंप सीवेज पंप करके डिस्पोजल पॉइंट यानी रिवर स्ट्रीम्स में डालना पड़ेगा, या फिर आउटफॉल सीवर की लेवल ट्रीटमेंट प्लांट के लेवल से कम रहेंगे, नीचे रहेंगे, तो इधर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, आउटफॉल सीवर के एंड पॉइंट से सीवेज को पंप करके ट्रीटमेंट प्लांट के इनलेट पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, कन्वे करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई हियर आल्सो पंपिंग इज नेसेसरी. देन फ्लैट टोपोग्राफी. अगर टोपोग्राफी फ्लैट है यानी कि फेयरली जो ग्राउंड की जो आरएल है वो ग्राउंड की आरएल फेयरली क्या है, सेम, अंडुलेशन ज्यादा नहीं है. जैसे कि इधर देखिए ये ग्राउंड लेवल है, इसकी जो टोपोग्राफी है फेयरली प्लेन है. तो अगर इधर अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या सीवर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो क्या सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द सीवर. अगर ये इनलेट पॉइंट है और ये आउटलेट पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक अपनी जो सीवर लाइन जो है अपने को ले करने की, तो इतने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जो कुछ एक्सकेवेशन है वो एक्सकेवेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा. लेकिन जैसे जैसे सीवर की जो लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. इसीलिए इधर जो कॉस्ट लगने वाली है इन एक्सकेवेटिंग द सॉइल इट विल बी वेरी लार्ज. दैट्स व्हाई हियर This system is not economical. अगर यहाँ पे फ्लैट टोपोग्राफी नहीं रहती या फ्लैट टोपोग्राफी की जगह डिक्रीजिंग ग्रेडिंग रहता, यानी कि ये पाइप के पैरेलल का ही ग्राउंड रहता, तो इजीली रहते, ज्यादा एक्सकर्शन करना नहीं पड़ता, थोड़ा ही एक्सकर्शन क्या करता रहता अपने को, थोड़ा ही एक्सकर्शन करना पड़ता. लेकिन फ्लैट टोपोग्राफी है तो उस समय क्या करना पड़ेगा, अपने पंपिंग करना ही पड़ेगा. पंपिंग कैसे करना पड़ेगा और जो सीवर ले कैसे करना पड़ेगा वो बता दूँ. ये फिर से ग्राउंड लेवल है, तो एक पर्टिकुलर लेंथ की पर्टिकुलर डिस्टेंस की एक सीवर ले करने का, उसके बाद दूसरी सीवर भी ले करनी है उसी को पैरेलल में. देखिए इस तरह, अब इसका पहली जो सीवर है, पहली सीवर का जो आउटलेट है और दूसरी सीवर का जो इनलेट है, दोनों में लेवल डिफरेंस है, तो इसमें का वाटर इसमें तो ऑब्वियसली आएंगे और कनेक्ट भी नहीं है. ठीक है, तो इस समय क्या करना पड़ेगा हमें कि ये पॉइंट पे का जो सीवेज आएगा वो सीवेज को ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, यानी कि इसके आउटलेट तक, दूसरे सीवर के आउटलेट तक क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा. वो किस प्रकार कर सकते हैं, आईआरडी लेवल डिफरेंस है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वो पंप करना पड़ेगा. कहाँ से, पहले सीवर के आउटलेट से दूसरे सीवर के इनलेट तक. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद ये दूसरी सीवर इधर खत्म हो गया, अब तीसरी सीवर फिर से चालू होगी यहाँ से, ये पॉइंट से तीसरी सीवर यहाँ से चल रही है, फिर से लेवल डिफरेंस हो गया दोनों में, एक के आउटलेट में और एक के इनलेट में. अब इधर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इधर सीवेज आएगा वो सीवेज को पंप करके यहाँ तक पहुँचाना है.
इससे इससे क्या हो रहा है कि पंपिंग जो है, पंपिंग करने से क्या हो रहा है, या फिर इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करने से क्या हो रहा है, जो हमारी डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है वो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन क्या है, कम हो गई है एज कम्पेयर टू वो पिक्चर। इधर ऊपर वाले पिक्चर में देखिए आप कि इधर जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है वो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ओके okay? और इधर डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन क्या है, कम है। और तुम्हें पता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे डेप्थ ऑफ एक्सकर्शन बढ़ती है, तो उसी वैसे वैसे जो कॉस्ट इन्वॉल्व है डेप्थ एक्सकर्शन में वो बढ़ती है, इसीलिए कि कम एक्सकर्शन करना पड़ेगा तो कम कॉस्ट लगेंगी, इसलिए ये मेथड जो है वो बेटर है। उसके बाद में लो लाइंग एरिया, अगर एरिया अगर लो लाइंग एरिया में है अपना, अगर एक आधी पर्टिकुलर सोसाइटी है या फिर एक आधा घर है वो लो लाइंग एरिया में, सपोज इधर ये पिक्चर में देखिए, ये जनरल ग्राउंड लेवल है, जो एवरेज ग्राउंड लेवल है, और एक आधा पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर हाउस जो है वो लो लाइंग एरिया में आ गया, जैसे इधर दिख रहा है। अब इसका जो सीवेज जनरेट होने वाला है, जो कुछ भी सीवेज ये घर में से जनरेट होगा या एरिया में से जनरेट होगा, वो लोअर लो लाइंग एरिया में आएगा। अब यहाँ से और बाकी जो मेन सीवर है, मेन सीवर है हाई लेवल पे, तो यहाँ से सीवर यहाँ तक विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जा ही नहीं सकता, ओके, जाने को भी ट्राई भी किया तो फ्लडिंग हो जाएगा और उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको लाके इधर पंपिंग स्टेशन प्रोवाइड करके ये सब यहाँ का जो भी सीवेज है वो सीवेज यहाँ पे कलेक्ट होगा, और यहाँ से सीवेज क्या करना पड़ेगा, पंप करके मेन सीवर में डालना पड़ेगा। इसलिए लो लाइंग एरिया में अगर होगा तो उधर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, पंपिंग प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ओके। उसके बाद में देखेंगे अपन प्रॉब्लम इन सीवेज पंपिंग, सीवेज पंपिंग करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ओके। तो फर्स्ट है सीवेज हैज फॉल कैरेक्टरिस्टिक, ये तो हमें पता ही है, बहुत बार सुना भी है अपन ने कि सीवेज का जो स्मेल रहता है वो सीवेज का स्मेल बहुत खराब आता है, उससे जो एनवायरनमेंट रहता है, वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है वो भी खराब होता है और अपना एनवायरनमेंट भी खराब होता है, इसीलिए सीवेज हैज फॉल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ प्रॉब्लम। देन सीवेज कंटेंट लॉट ऑफ सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मटेरियल, अगर सीवेज में सस्पेंडेड और फ्लोटिंग मैटर है तो क्या होगा, उस वजह से क्या होगा, जो पंप है, पंप क्या पंप या फिर पाइप है वो, उसके चोकिंग होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्लॉगिंग होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। देन करोजन एंड इरोजन ऑफ पंप्स ऑफ द करोजन एंड इरोजन ऑफ पार्ट्स ऑफ द पंप्स ड्यू टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट से क्या हो जाएगा, करोजन और इरोजन हो जाएगा पंप्स के पार्ट्स का। एक ऐसे जैसे कि इनऑर्गेनिक, अगर एक आधा इंप्योरिटीज ले लिया अपने, एसिड ले लिया, तो एसिड क्या रहता है, एसिड क्या करता है, एक आधे मेटल को क्या करता है, करोड़ रहता है, और पंप्स के जो पार्ट्स है वो मेटेलिक रहते हैं, इसलिए करोजन और इरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। उसके बाद में सीवेज कंटेंट डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिज्म विच मे कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द पर्सन वर्किंग एट पंपिंग स्टेशन, हेंस इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एज फार एज द ह्यूमन हेल्थ इज कंसर्न, ओके। फिर बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेरिएशन इन द सीवेज क्वांटिटी, वेरिएशन इन द सीवेज क्वांटिटी पंपिंग ऑपरेशन आर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ओके। अगर सीवेज क्वांटिटी में वेरिएशन, ऑब्वियसली सीवेज क्वांटिटी में क्या है, वेरिएशन रहता ही है, क्योंकि सीवेज जनरेशन का जो रेट है वो सुबह ज्यादा रहता है, दोपहर में कम रहता है, इवनिंग में फिर ज्यादा रहता है, नाइट में बहुत कम रहता है, तो इसीलिए जो वेरिएशन है ये वेरिएशन के हिसाब से जो पंपिंग का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन अपने को चेंज करना पड़ेगा। जिस समय हाई रेट से सीवेज जनरेट हो रहा है, हाई रेट से पंपिंग स्टेशन में अगर सीवेज आ रहा होगा या सीवर में आ रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने वो हाई रेट से पंपिंग क्या करना पंपिंग करना पड़ेगा सीवेज में। अगर सीवेज अगर लो रेट से आ रहा होगा तो अपने को पंपिंग भी क्या करनी पड़ेगी, लो रेट से करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का सीवेज क्वांटिटी में वेरिएशन के वजह से हमें अपने को पंपिंग का जो रेट है वो पंपिंग का रेट भी एडजस्ट करना पड़ेगा। देन फ्लडिंग इन केस ऑफ पंप फेलियर, अगर पंप फेल हो गया तो क्या, पंप अगर फेल होगा तो क्या हो जाएगा, जो कुछ पंपिंग स्टेशन हो, पंपिंग स्टेशन क्या हो जाएगा, वहां पे फ्लड होना, और उसका ओवरफ्लो हो गया ग्राउंड पे भी आ सकता है या ग्राउंड पे स्प्रेड हो सकता है, उससे इन्वायरमेंट में फॉल्स मिल के चांसेस हो गए, वाटर प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द पंपिंग स्टेशन, अब पंपिंग स्टेशन क्या रहता है, उसके पार्ट्स कौन से रहते हैं, पंपिंग स्टेशन की लोकेशन क्या रहती है, अभी हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो पहले लोकेशन देखेंगे क्या है, तो पंपिंग स्टेशन की लोकेशन क्या फिक्स करनी पड़ेगी अपने, तो प्रॉपर लोकेशन ऑफ पंपिंग स्टेशन रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द एंटायर एरिया कैन बी एडिक्वेटली ड्रेन, जो पूरा की पूरा एरिया, वो पूरा की पूरा एरिया में का जो सीवेज है वो
एडिक्वेटली क्या होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, यानी कि उसमें का जो सीवेज है वो सीवेज वहां से बाहर, वहां से निकल के डिस्पोजल पॉइंट तक क्या होना चाहिए, कन्वे करता आना चाहिए, इजिली कन्वे करते आना है, उस प्रकार हमें पंपिंग स्टेशन की लोकेशन फिक्स करनी चाहिए। देन दिस साइट शुड बी नियर द डिस्पोजल पॉइंट, ये जो साइट है ये साइट डिस्पोजल पॉइंट के नजदीक चाहिए, जैसे कि डिस्पोजल पॉइंट सच एज स्ट्रीम, लेक एंड रिवर, सो दैट इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पंपिंग द एक्युमुलेटेड सीवेज कैन ओवरफ्लो इनटू द नेचुरल नेचुरल सोर्सेज ऑफ द डिस्पोजल पॉइंट। अगर गलती से भी अगर ओवरफ्लो भी हो गया या फिर पंप फेल भी हो गया, तो अगर नजदीक रहा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फ्लो हुआ वाटर वो डिस्पोजल जो कुछ एरिया है वो डिस्पोजल एरिया में रिवर स्ट्रीम वहाँ क्या हो जाएगा, चले जाएंगे, इसीलिए वो जो पंपिंग स्टेशन की लोकेशन है वो नजदीक रहेंगी तो इजी जाएगा। लेकिन उसका अलग भी एक डिसएडवांटेज है, अगर नजदीक रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर रिवर के नजदीक रख लिया पंपिंग स्टेशन, तो रिवर के नजदीक पंपिंग स्टेशन रखने से क्या होगा कि रिवर में का जो वाटर है वो सीपेज, वो वाटर सीपेज होके पंपिंग स्टेशन में ना आए, उस वजह से क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, या फिर रेनी सीजन में जो रिवर रहती वो हाईली फ्लडेड रहती, वो फ्लड में का पानी पंपिंग स्टेशन में ना आए, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए पंपिंग स्टेशन की लोकेशन डिसाइड करते समय। उसके बाद में पंपिंग स्टेशन शुड बी लोकेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड इन सच ए मैनर दैट इट विल नॉट बी फ्लडेड एट एनी टाइम, उसकी लोकेशन इस तरह डिसाइड करनी चाहिए कि वो कोई भी समय में फ्लड नहीं होना चाहिए, उसका डिजाइन इस प्रकार करना चाहिए, उसके जो वॉल्यूम, उसकी जो साइज है, उस पंपिंग स्टेशन की साइज, फिर बाद में पंपिंग की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वाटर पंप के हॉर्स पावर कितनी होनी चाहिए, ये सब प्रॉपरली डिजाइन करना चाहिए कि जो पंपिंग स्टेशन है वो फ्लड ना होना चाहिए या फिर वो एरिया फ्लड ना होना चाहिए। देन स्टेशन शुड बी इजिली एक्सेसिबल इन ऑल वेदर कंडीशन, अब जो पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन को ऑपरेशन और पंपिंग स्टेशन का मेंटेनेंस के लिए हमें रेगुलरली उधर जाना पड़ेगा। अगर रेनी सीजन में ऐसे कोई सीजन में ऐसे कंडीशन में जहाँ पे वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो पहले ही ये सब जो पॉसिबिलिटीज है वो चेक करके हमें लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए, यानी कि अगर वेदर कोई भी वेदर कंडीशन में वो पंपिंग स्टेशन की लोकेशन जो है वो इजिली एक्सेसिबल रहे। देन एलिमेंट्स ऑफ पंपिंग स्टेशन के एलिमेंट्स क्या क्या देखते हैं, तो फर्स्ट इज अ ग्रिड चैम्बर। सो ग्रिड चैम्बर का क्या फंक्शन रहता है, द ग्रिड चैम्बर इज जनरली इज यूज टू रिमूव द सीवेज, सच लाइक द सीवेज एंटरिंग द पंपिंग स्टेशन जनरली कंटेन्स लॉट ऑफ सॉलिड मैटर सच एज ग्रीट, सैंड, ग्रेवल, हेंस इट इज वेरी नेसेसरी टू रिमूव as much of the impurities present in the sewage. Okay, उससे क्या होगा कि जो pumps का motors pumps का जो wear and tear है वो wear and tear क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में coarse and fine skin से क्या होगा, जो sewage है sewage, when the sewage is passed through the screen which helps in extracting the smaller as well as लार्जर सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, लार्जर और स्मॉलर सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, सीवेज में से कोर्स और फाइन स्किन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देन वेट वेल और सम्पेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सम्पेल, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज वेट वेल। ओके, देन इट एक्ट एज अ इक्विलाइजिंग बेसिन टू मिनिमाइज द लोड फ्लक्चुएशन ऑन द पंप। अब इसमें क्या होता है कि सम्पेल में क्या रहता है कि अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सीवेज का जो जनरेशन है, सीवेज का रेट ऑफ जनरेशन वो वेरी होता है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी एवरेज। तो अब सम्पेल में क्या होता है कि जो सीवेज है वो एक लेवल तक स्टोर होता है, फिर बाद में वो पंप होता है यूनिफॉर्मली। ओके, अगर सम्पेल नहीं प्रोवाइड किया तो पंपिंग जो अपने कंटिन्यूसली ऑपरेट करना पड़ेगा, पंप्स की जो मोटर है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट करनी पड़ेगी जो फ्लो के हिसाब से। इसीलिए पहले एक सम्पेल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे सीवेज जो वो स्टोर किया जाता है और फिर वहाँ से पंप किया जाता है। उसके एक्चुअल ऑपरेशन में बताऊंगा उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। देन ड्राइवेल और पंप वेल, ड्राइवेल इन दिस रूम पंप्स आर इंस्टॉल्ड, पंप्स जो रहते हैं वो ड्राइवेल में रहते हैं। देन मोटर रूम इज प्लेस्ड अबव द ड्राइवेल। देन राइजिंग मैन का काम क्या रहता है कि राइजिंग मैन कन्वे द सीवेज फ्रॉम द पंपिंग स्टेशन टू द point of disposal or the from the pumping station to the sewer on the ground level. Okay,
उसके बाद में देन पंप्स यूज्ड फॉर पंपिंग, पंपिंग में कौन कौन से टाइप्स के पंप्स यूज करती है, ये तुमने नाम हमेशा बहुत बार सुने भी होंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, प्रोपेलर और एक्सियल फ्लो पंप्स, एयर प्रेशर पंप्स और इजेक्टर्स. ओके, दीज आर ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ पंप्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन द पंपिंग ऑफ द सीवेज. ओके, लेट्स सी द ऑपरेशन ऑफ द पंपिंग स्टेशन. इट इज अ टिपिकल सीवेज पंपिंग स्टेशन डायग्राम. सो here is the inlet of the sewage. The sewage will come from this end and the sewage will go out from this end. Okay, this is the outlet point. agar jab sewage aayega, sewage aane ke baad sewage pehle sabse pehle kya hoga, sewage wo jayega grit chamber mein. okay, ab sewage aane wala hai, sewage mein bahut sare impurities, sabhi impurities hai sewage mein. ab grit jo hai, grit chamber ka kya kar raha tha, grit chamber mein sewage aati hi kya hota hai, grit chamber ka area badh jata, pipe ka area kam rehta. उस वजह से क्या होता है कि जो सीवेज की वेलोसिटी है, वो सीवेज की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सीवेज की वेलोसिटी कम हो जाती है ग्रेट चैम्बर में. अब सीवेज की वेलोसिटी कम हुई तो सीवेज की वेलोसिटी कम होने से क्या होता है, ये जो ग्रिड चैनल है, ये ग्रिड चैनल में सीवेज में प्रेजेंट रहने वाले सैंड, ग्रेवल, यानी ऐसे पार्टिकल जो हेवी पार्टिकल्स है, यानी जिनके स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.6 के आसपास है, तो वो पार्टिकल्स क्या आएंगे, ऑब्वियसली उनकी वेट ज्यादा रहने से क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, यानी ग्रिड चैम्बर में वो रिमो हो जाएंगे, जो कुछ ग्रिट है वो ग्रिट चैम्बर में ग्रिट रिमो हो जाएंगे. उसके बाद में ये जो सीवेज है जिसमें ग्रिट नहीं है, वो क्या होगा, कोर स्क्रीन के से पास किए जाएंगे. कोर स्क्रीन से पास करते समय क्या होगा, उसमें के जो लार्जर साइज के पार्टिकल है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी नहीं थी जो जो कि सेटल हो जाए, तो वो क्या होंगे, लार्जर कोर स्क्रीन में क्या होंगे, कोर स्क्रीन में रिमो हो जाएंगे. फिर बाद में वो सीवेज को पास किया जाता है फाइन स्क्रीन पे, और फाइन स्क्रीन का काम क्या है कि जो फाइनर सस्पेंडेड सॉलिड्स है या फाइनर सॉलिड्स है उनको रिमूव करने का. अब यहाँ से कोर स्क्रीन और फाइन स्क्रीन में स्क्रीन में से जाने के बाद जो सीवेज है वो सीवेज को पास किया जाता है सम्पेल में, सम्पेल और वेट वेल में. अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर को स्टोर किया जाता है एक पर्टिकुलर लेवल पे, पर्टिकुलर लेवल पे स्टोर किया जाता है, बाद में स्टोर करने के बाद बाद में पंप किया जाता है. अब इधर का जो सेक्शन का चैनल है, चैनल का जो सेक्शन है वो देखिए, तुम्हें यहाँ इंक्लाइन पोर्शन दिख रहा है. ये इंक्लाइन पोर्शन इसीलिए प्रोवाइड किया गया है कि जो सॉलिड्स है वो सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, इजीली यहाँ पे सेटल होंगे, सेटल होंगे इंक्लाइन पोर्शन क्या आएंगे, तो वो स्लाइड होके यहाँ पे आएंगे. यहाँ पे स्लाइड आने के बाद जो सीवेज है, सीवेज में स्लज है और वाटर है, वो क्या होगा, ये पंप के थ्रू, यहाँ पे पंप है, ये पंप मोटर के थ्रू ड्राइव की जाती है, ड्राइव की जाती है, और ये पंप स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे का जो सीवेज है, यहाँ पे का जो स्लज है, वो स्लज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये राइजिंग मेन के थ्रू आउटलेट में जहाँ पे अपने को डिस्पोज करना है वहां पे क्या किया जाएगा, वो डिस्पोज किया जाएगा. अब इधर का दो एक मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है कि ये पंप का ऑपरेशन कैसा किया जाता है, कि पंप कब चालू करना चाहिए, पंप कब बंद करना चाहिए, या पंप का जो रेट है वो कैसे एडजस्ट करना चाहिए, वो अभी तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ. ये जो पंप है, ये पंप के ऊपर मोटर रहती है, मोटर स्टार्ट होने के बाद पंप स्टार्ट होता है, और मोटर स्टार्ट का स्विच यहाँ पे. तो अब देखिए कैसे होता है. अब जो सीवेज है, वो सीवेज को सम्पेल में जब सीवेज आता है एक पर्टिकुलर लेवल के आने के बाद, ये जो फ्लोटिंग मैकेनिज्म है, फ्लोटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे जैसे ये वाटर लेवल बढ़ेगी, ये फ्लोटिंग मैकेनिज्म क्या होगा, वैसे वैसे ये फ्लोटिंग मैकेनिज्म ऊपर आएगा. अब फ्लोटिंग मैकेनिज्म एक पर्टिकुलर लेवल तक ऊपर आया, तो उसकी लेवल ऐसे एडजस्ट की जाती है कि जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल के आने के बाद ये ऊपर जाते ही यहाँ का स्विच है वो स्विच ऑन कर देगा. ये स्विच ऑन करने से क्या हो जाएगा, ये मोटर स्टार्ट हो जाएंगे. मोटर स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, मोटर स्टार्ट होगी तो पंप स्टार्ट हो जाएंगे. पंप स्टार्ट होने से यहाँ का जो सीवेज है वो सीवेज क्या हो जाएगा, इजिली पंप आउट किया जाएगा. ये जो है वो ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटेड फ्लोट सिस्टम के थ्रू जो कुछ भी है वो पंपिंग की जाती है. ओके, थैंक यू. ये सब था पंपिंग स्टेशन के बारे में और पंपिंग ऑफ सीवेज के बारे में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.